इधर जैसे ही विप्रों के द्वारा आपके मंगल के लिए अभ्यर्थना जो की जा रही है, जो स्तुति की जा रही है, उसका परिणाम हमारे जीवन में ही चल करके आएगा। जब संत लोग यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करते हैं, आप लोग हाथों को जोड़ करके श्री राम जय राम जय राम का उद्घोष करते रहे, उससे आपका मन भी पुलकित होगा और तन भी पवित्र हो जाएगा। लगभग 3 मिनट के अंदर एक परिक्रमा हुआ करती है, आप लोग और आनंद के साथ में करेंगे तो लगभग 5 मिनट में एक परिक्रमा हो जाएगी। परंतु उस परिक्रमा में भाग दौड़ नहीं करनी है, ये भाग दौड़ का विषय नहीं है, ये अपने जीवन की सकल वासनाओं को निवृत्त करने का विषय है। वासनाओं की निवृत्ति जब ही होगी जब हम साधना करेंगे। हनुमानगढ़ का ये दिव्य स्थल, वर्तमान स्थल, इस समय साधना का स्थल है, इस समय सकल कामनाओं को कामनाओं के त्याग करने का स्थल है। इसलिए इस समय संपूर्ण विश्व के मंगल की गई कामना, आपके घर और परिवार की खुशहाली को बढ़ा करके एक दिव्य राष्ट्र का निर्माण भी कर सकेगी। चूंकि इस समय भारतवर्ष वो दिव्य राष्ट्र है जिसकी पावन सुगंध संपूर्ण विश्व के अंदर प्रसारित हो रही है, यही विशेष समय है जो विश्व गुरु बनने वाला दिव्य काल उपस्थित हो रहा है। जहां पर जिस देश में एक समय हुआ करता था कि संतों को गाली दी जाया करती थी, भगवान के मंदिरों को तोड़ा जाता था, भगवान के मंदिरों में ताला लगाया जाता था, परंतु आज वो दिव्य सुकाल आया है जिस काल के परिणाम वशात ताले के स्थान पर तालों को तोड़ा जा रहा है और वहां पर भगवान की दिव्य प्रतिष्ठा की जा रही है। इसलिए सज्जनों, ये पावन सत्कर्म न केवल आपके मनोरथ को पूर्ण करेगा, अपितु आपके मनोरथ के साथ में इस दिव्य राष्ट्र को बनाने का भी कार्य कर सकेगा। भारत को विश्व गुरु यदि हमको बनाना है, अपनी हर प्रकार की स्थिति को यदि सुधारना है, तो हर प्रकार की स्थिति को सुधारने के लिए आध्यात्मिक क्रांति है। इस आध्यात्मिक क्रांति को जीवन में उतारते हुए, इन आनंद के पलों को हृदय में बसाते हुए श्रीमन नारायण भगवान से, गणेश जी भगवान से हम प्रार्थना करें, हमारे घर परिवार इष्टजन मित्रजन स्वकीय जन आत्मीय जन सब लोगों का भी कल्याण हो सके, उन लोगों के घरों की समस्या भी निवृत्त हो सके और हम लोग अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। ये पंच देवताओं की उपासना, इसमें ये जो आप देख रहे हो ये तो यज्ञशाला है, आप ये लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी थी। बोले कब तक? बोले 10 तारीख तक। कितनी तारीख तक? 10 तारीख तक। अब ये कोई लकड़ी की यज्ञशाला नहीं, अब ये कोई ये जो इसमें बांस लगे हुए, ये बांस नहीं तो क्या है? इसमें 33 करोड़ देवी देवता है। ये जितने कोने के ऊपर पल्लियां लगी हुई हैं, इनमें देवताओं का वास है। आप सुपारी के अंदर, सुपारी पर मौली बांध दिया करते हो, पंडित जी महाराज मंत्र बोल दिया करते हैं, गणेश भगवान का आवाहन हो जाता है। आप गोबर को सुखाते हो, गोबर की पार्वती बना लिया करते हो। वो क्या है? वो सुपारी के अंदर भगवान को लाने की विधा है। यद्यपि वो भगवान नहीं, परंतु शास्त्र में विधा है, शास्त्र में पद्धति है, किसके गणेश जी बनाने चाहिए। उसी प्रकार से इन बल्लियों के अंदर भी, एक एक बल्लियों के अंदर इनमें परमपिता परमात्मा का निवास है। ये जितने मुख बने हुए हैं, ये जो कुंड बने हुए हैं, ये कुंड भगवान के मुख है। इन भगवान के मुख में जब ये 3 समय संध्या करने वाले विप्रजन सुबह Bir ayın ve sermayenin kurduğunu yeni bir yankı var mı? Kalle ayın mı? Tamam, aslında yeni mi?